चिल्ला रही है कि आरके सिंह के सिवा और कोई नहीं चाहिए। विरोध उसी आदमी का होता है जो काम करता है। कहाँ कोई सांसद कोई कोई काम किया यहाँ पर भाई, खदेड़ खदेड़ के मारने लगी जी, सब लोग भाग गया। चारों बगल 4 लेन 6 लेन का अंबार लगा हुआ है, जनता उन्हें चुन चुकी है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारे रोड। वो वर्ल्ड वाइड के नेता है, धारा के ऊपर समझौता नहीं करते हैं। आरके सिंह ने क्या क्या किया ये गिनवाने वाला बात नहीं है, किसी से नहीं होगा, वो देश के नेता है। तेरा के अभी तो अगला 5 साल तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। धारी का झंडा पढ़े है लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हर जगह लाइटों की व्यवस्था है, मतलब विकास पुरुष है वो। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में आरा लोकसभा क्षेत्र जिसके सांसद भी केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह है, उनका हाल ही के दिनों में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान विरोध हुआ था और आरा के सांसद आरके सिंह के विकास कार्यों से यहां की जनता कितनी संतुष्ट है यह हमने जानने की कोशिश की। हालांकि कई लोगों ने रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान उनके विरोध को लेकर काफी आक्रोश जताया। उनका कहना था कि रामनवमी पर्व था, ऐसे में विरोध नहीं होना चाहिए था क्योंकि धर्म का समागम था, इसको राजनीतिक परिवेश में नहीं ढालना चाहिए था। इस तरह का कई लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया इस मामले को लेकर और आरा के सांसद आरके सिंह को लेकर कितना विकास कार्यों से जनता संतुष्ट है, उनके लोगों का क्या कहना है, हम सब आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। असर बताया जाए भोजपुर के लिए आरके सिंह जो सांसद है उनका कार्य आपको कैसा लगा और क्या चाहते हैं अगले लोकसभा चुनाव में किसे होना चाहिए भोजपुर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। ऐसा हम लोग का जिला का सांसद आरके सिंह जो बिजली मंत्री है, सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि बार बार ऐसा नेता प्रतिनिधित्व करे। आखिर क्यों आखिर क्यों आरके विकास विकास मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। आरके सिंह ने क्या क्या किया ये गिनवाने वाला बात नहीं है, पूरे जनता जान चुकी है, इसलिए जनता चिल्ला रही है कि आरके सिंह के सिवा और कोई नहीं चाहिए, आयुर्वेरो नेता नहीं चाहिए। तो कोई नया चेहरा जिससे? देखिए नया चेहरा के अभी तो अगला 5 साल तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे कहने करने में कोई क्या कह रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग को सिर्फ आरके सिंह चाहिए। मंटू जी एक सवाल है कि भाजपा में आरके सिंह को लेकर 2 गुट है, एक समर्थन करता है तो एक उनका समर्थन नहीं कर रहा है, क्या एक गुट में जैसे कि गुट ऐसा है कि जिसमें 2-4-10 आदमी हैं, वो चाह रहे हैं कि आरके सिंह हमारी बातों को सुने, लेकिन आरके सिंह किसी का नहीं सुनते हैं, वो विचारधारा के ऊपर समझौता नहीं करते हैं, जो अच्छा होता है वो करते हैं, इसलिए जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हमारा जिला में जो भी है 99.9% लोग आरके सिंह को चाह रहे हैं। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि रामनवमी पर्व का जुलूस था, इस दौरान पोस्टरबाजी चल रहा था जिसमें आरके सिंह के पोस्टर पर यहां आरा के विधायक को जगह नहीं मिली और आरा विधायक के पोस्टर पर आरके सिंह को जगह नहीं दिया गया, क्या कहेंगे इसके संबंध में? तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम लोग को आरके सिंह जैसा नेतृत्वकर्ता मिला है, ये बहुत सौभाग्य की जिला के लिए सौभाग्य की बात है। एक सवाल और भी है कि रामनवमी पर्व के दौरान आरके सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई, धर्म का कार्यक्रम चल रहा था, इसको राजनीतिक परिवेश में बदला जा रहा था, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए माननीय सांसद आरके सिंह हमारे बिजली मंत्री उधर से हवन करके आ रहे थे, आरती करके आ रहे थे, तभी हम लोग आगे आगे थे, तभी 2-4-5 आदमी उनके खिलाफ नारेबाजी करने के सोची, तब तक वहां की रामनवमी जुलूस की जो भी जनता थी उग्र होकर चहेट चहेट के मारने लगी, खदेड़ खदेड़ के मारने लगी जी, सब लोग भाग गया मात्र आधा मिनट में। लेकिन ये माहौल बिगाड़ने की भी एक कोशिश साजिश लोग कर रहा था, 2-4 चंद लोग जो भगवाधारी का झंडा पढ़े हैं लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ऐसे लोग को पूरा जनता नकार चुकी है। आरके सिंह जो सांसद हैं, आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं भोजपुर के लिए खासतौर पर? भोजपुर के लिए तो मतलब विकास पुरुष है वो, और हम लोग चाहेंगे कि 5 साल वो अभी रहे तो हमारे जिला के जो बचा हुआ काम है वो सब पूरा हो जाएगा।
ऐसा क्यों लगता है कि आरके सिंह ही पूरा करता है? पहले दूसरे किसी से नहीं होगा, वो देश के नेता हैं। पहले भी सांसद हुआ करते थे, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार सांसद पद आ रहा है। कहां कोई सांसद कोई कोई काम किया यहां पर भाई? कैबिनेट में नहीं गए, कहां कोई काम किया? ये देश जाइए देखिए, बिजली के क्षेत्र में कितना पूरा देश में विकास हुआ है, पूरा देश में बिजली के क्षेत्र में विकास हुआ है। तो ये मानते हैं कि अगली बार भी सांसद के तौर पर लोग आरके सिंह को ही देखेंगे? अगली बार सांसद बनेंगे निश्चित है, जनता यहाँ के भोजपुर के तय कर ली है। एक तरह से आप सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरह वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभी जगह जगह विदेशों में जा रहे हैं और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि भोजपुर को वो नाम दिला पाएंगे आगे? भोजपुर के बहुत आगे नाम जाएगा, विदेश तक नाम जाएगा। आरा सांसद आरके सिंह के कार्यों को आप किस तरह से देखते हैं, कैसा मानते हैं, किस तरह के नेता हैं? आरके सिंह बहुत बड़े नेता हैं, आरके सिंह छोटे मोटे नेता नहीं है कि यहाँ पे कि नगर निगम से लेके और ये दिस दैट का कोई भी बात करें, वो वर्ल्ड वाइड के नेता हैं, वो हर चीज काम कैसे लाया जाता है वो आरके सिंह समझते हैं। यहाँ पुराने भी सांसद रह चुके हैं लेकिन उन्हें उतना कोई समझ नहीं थी काम कैसे किया जाए। आज तक आरा से पटना तक रोड नहीं बना, आज आरके सिंह का देन है कि आरा से पटना तक रोड भी बन चुका है, बीटा से पटना तक भी रोड का फोर लाइन का काम चालू हो चुका है। आरा में अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सौभाग्य की बात है कि आरके सिंह ने हम लोगों को दिया मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, के इतने झंझट हुए लेकिन फिर भी आरके सिंह ने आरा में ही दिया और कहीं जाके नहीं दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो वर्ल्ड वाइड वो नेता हैं, फिर भी आप लोग थोड़ा सा के लिए उन्हों आप विरोध कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। तो लगता है कि आरा का विकास हुआ है और आरा का विकास इन्हीं के थ्रू हुआ है और यही कर सकते हैं अगले 5 साल के लिए, ये सांसद चुने जा चुके हैं हमारी जनता की ओर से। आज आप देख रहे होंगे गली से लेकर रोड तक, शहर तक जितने भी हैं, कलेक्ट्रेट तक लाइटों की इतनी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है, हर जगह रोशनी चली। स्टेशन से क्लब रोड आते आते पहले अंधेरा हो जाता था, हर जगह लाइटों की व्यवस्था है। केजी रोड से लेकर पीर बाबा क्लब रोड और रामना मैदान आप देखिए, रेड क्रॉस आप देखिए, चारों तरफ ही लाइट ही लाइट लगा हुआ है। ये आरके सिंह का ही देन है कि आज हम लोग सुरक्षित यहाँ पे है। वो कभी कभी लोगों उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, उसको किस तरीके से? वो नारे देखिए, नेता लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो उनको जनप्रतिनिधि नहीं बना देना चाहते, उनका विरोध करना चाहते हैं, उनसे उन पर कोई प्रभाव असर नहीं पड़ने वाला है, जनता उन्हें चुन चुकी है। नाम बताइए। नाम दीपक कुमार सिंह। पिछले दिनों आरा में सांसद आरके सिंह का 2 बार विरोध हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर? विरोध उसी आदमी का होता है जो काम करता है, और विरोध में कोई दम नहीं है, ऐसे ही दो चार गोल फंगे टाइप के हैं, झूठा मूठा विरोध करते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रामनवमी में जो विरोध हुआ था उसको लेकर बजरंग दल ने भी खंडन कर दिया कि रामनवमी के पर्व में इस तरह का विरोध बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता ने नहीं किया है, बजरंग दल से कोई नाता नहीं है। देखिए सभी दल बोल दिए हैं कि हम नहीं किए हैं, हम नहीं किए हैं, इसलिए हम बोले यही कहेंगे कि दो चार आदमी के विरोध करने से पूरा जिला थोड़ा चलता है, और आरके सिंह का जैसा सांसद होना हम लोग की गर्व की बात है। आरा में विकास कार्यों को किस तरह से देखते हैं? कि आरा में बहुत विकास हुआ है, आज देख लीजिए जो ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकती थी उसको ठहराव किए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारे रोड, चारों बगल 4 लेन 6 लेन का अंबार लगा हुआ है, इसलिए ऐसे सांसद को हम कैसे छोड़ना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि ऐसे सांसद बार बार रहे। पीपा पुल पे मौली घाट पीपा पुल पे ओवर ब्रिज दे रहे हैं, आरा सरैया रोड को 4 लाइन का पास कर चुके हैं, अब ऐसे आरके सिंह को आप विरोध करते हैं, सबसे आप क्या क्या बोला जाए आप लोगों के बारे में? आरके सिंह के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए आरके सिंह का तो कार्य एकदम बहुत बढ़िया रहा है, कुछ कुछ कार्यों में इनके अधिकारियों की लापरवाही से बहुत सारा इसे योजना है कि जिसमें घपला हो रहा है, जैसे रमना मैदान के सौंदर्यकरण के नाम पर जो 12.5 करोड़ रुपया आया है, उस सौंदर्यकरण के नाम पर वहां पे अधिकारी कोई रह करके सामने से कोई कार्य करीबे नहीं करता है, इसलिए आरके सिंह माननीय केंद्रीय मंत्री से मेरा यही अपील है कि वो अधिकारियों को दिशा निर्देश दें कि अपने स्तर से रह करके ये लोग काम कराए। बाकी योजना तो जितने भी योजना हुआ अभी तक में बहुत बढ़िया है। क्या मानते हैं कि सांसद के नेतृत्व में आरा शहर का विकास हुआ है? हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं हुआ, एकदम हुआ है, विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं है। आरा में अभी तक जितने भी सांसद है उन लोगों से तो बेहतर है। क्या लगता है कि इस बार भी आरके सिंह भोजपुर से क्या प्रतिनिधित्व करेंगे? नहीं, इस बात को हम कैसे भी कह देंगे प्रतिनिधित्व करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ की जनता है
जनता अगर उनको टिकट मिले तो जनता सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो जनता के ऊपर है आके। आर के सिंह का विरोध अभी हाल के दिनों में हुआ था, इसे कितना सही मानते हैं? नहीं, ये गलत बात है, ये सारा सर गलत है, इसको हम कई तरह से निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये हम लोगों की रामनवमी की जुलूस थी जिसमें सभी लोग और सभी वर्ग के हिंदू वर्ग के शामिल थे, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं था, इसलिए वहां पर विरोध नहीं होना चाहिए था। तो आपने सुना कि किस तरह से लोगों ने आरा सांसद आर के सिंह के विकास कार्यों को बताया, और कई लोगों ने तो यह भी कहा कि अगली बार भी सिर्फ और सिर्फ आर के सिंह ही हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहे फोर्थ पिलर न्यूज। कैमरामैन हिमांशु परवीन के साथ मैं विशाल।